जाकिर नाइक पर कानून का शिकंजा तो कस रहा है, लेकिन फिलहाल राहत की खबर बनती दिख रही है। इस्लाम के प्रचारक जाकिर नाइक पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। आईएस से जाकिर नाइक तक के कनेक्शन का शक गहरा रहा है, लेकिन लोकसभा में लिखित प्रश्न के जवाब में गृह राज्य मंत्री हंसराज अधीर ने कहा कि जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और आतंकी संगठनों के बीच लिंक का पता नहीं चला है, लेकिन रिपोर्ट ऐसी मिली है कि कुछ आतंकी जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित हुए हैं। ढाका के कैफे में आतंकी हमले के बाद से जाकिर नाइक खबरों में है। ढाका का आतंकी रोहित इम्तियाज जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित था। सरकार की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे जाकिर नाइक के आतंकी शागिर्दों की कहानी आगे बढ़ने लगी। देश के अलग अलग जेलों में बंद 55 कैदी जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित हैं। इसी से शक गहरा रहा है कि जाकिर नाइक के आतंकियों से संपर्क थे। आतंकी संगठन आईएस में शामिल हुई मरियम के मामले में जाकिर नाइक के संस्था के पीआरओ अर्शी कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद जाकिर पर शक बढ़ गया था। मरियम के परिवार ने जाकिर नाइक की संस्था पर जबरदस्ती मुस्लिम बनाने और आईएस में जाने का आरोप लगाया था। अर्शी के बहाने जाकिर पर धर्मांतरण का भी आरोप लगा। जांच के घेरे में जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के पैसे की लेन देन भी है। सरकार ने भले ही आतंकी संगठनों से जाकिर नाइक के संबंधों की बात नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जाकिर नाइक को क्लीन चिट मिल गई है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।